आज आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो हम लेके आए हैं, जो कि वीडियो को आखिर तक आप लोग बने रहिए तो समझ जाएंगे कि ये वाल मिक्सचर कितनी आसानी से हम बना सकते हैं। आपको यहाँ से एल की रिंच की मदद से पहले इसमें खोल लेना है इसको अच्छे ढंग से। ये थोड़ा सा हार्ड रहता है, पुराना रहता है इसलिए थोड़ा सा हार्ड रहता है। इसको थोड़ा सा पिला से ठोकिएगा तो ये खुल जाएगा। देखिए हल्का कस भी ठोकिएगा, ये खुल गया दोस्तों। देखिए इसमें अभी हमने सलाई रिंच लगाया था लेकिन इतना जाम था ये कि सलाई रिंच से ये नहीं खुला दोस्तों, तो हमको पाइप रिंच लगाना पड़ा। जो कि आप लोग सलाई रिंच से अगर खोले तो सलाई रिंच से आप लोग खोल लीजिए, नहीं तो पाइप रिंच की मदद से इसको ऐसे करके अच्छे से वाल मिक्सचर में दोनों तरफ रिंच लगा के इसको देखिए दोस्तों अच्छे ढंग से ये खुल जाएगा। बहुत ही अच्छे ढंग से खुल जाएगा, थोड़ा सा तो हार्ड रहेगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इसमें देखिए कैसा कचरा बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों प्लास्टिक का टुकड़ा था इसमें जो कि बैठा हुआ था। तो दोस्तों आप लोग अब इस स्पेंडल को खोल के आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं बाहर में, इसको खोल के हम लोग बनाते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। व्यूअर्स इसको थोड़ा सा हार्ड पिक इस पर दे के इसको ब्रश से रगड़ दीजिए। ब्रश से रगड़ने के बाद ये दोस्तों अच्छी तरह से ये सफाई हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा पत्थर पे, ये पत्थर होता है, इसको पत्थर पे मार्बल प्लेन होता है, मार्बल पे थोड़ा सा इसको घस दीजिए। ये घसने से होता है दोस्तों कि ये जो घाट ख़राब हो रहता है ना, ये घाट मेंटेन में आ जाता है दोस्तों। ये घाट मेंटेन में आ जाता है तो ये अच्छी तरह से ये पानी को जो है कहीं से रिसने नहीं देता है और ये प्रॉपर तरीके से पानी को बंद करता है। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, हम आपको बता रहे हैं आगे वीडियो में। जैसे आप खोले थे वैसे ही करके इसको प्रॉपर ढंग से इसको लगा दीजिए। और ये जो घाट देख रहे हैं, इस घाट में इसको अच्छे ढंग से इसको फंसा दीजिए। ये देखिए इसका घाट में ये अच्छे ढंग से ये लग जाएगा, तो इसमें अच्छे ढंग से ये बैठ जाएगा। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा दोस्तों ये पहले नचा के पहले सेम कर लीजिए और इसको अच्छे ढंग से इसको बैठा दीजिए। थोड़ा सा इसको नचा दीजिए दोस्तों, ऐसे नचाने के बाद ये घाट में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब ये टेफ्लॉन टेप लेके दोस्तों इसको पहले गोल गोल इस पर बना लीजिए, इसी स्पेंडल पे लपेट के इसको बना लीजिए। और इसके घाट जो इसका जो घाट जहाँ से कटा हुआ था इस घाट में इसको दे देना है। पहले इसको सही कर लीजिए, इस घाट में अच्छे से इसको बैठा दीजिए। यहाँ से देखिए अच्छे से इसका दो जगह से पानी जाने का रास्ता है, ध्यान रहे पानी का रास्ता इसमें ब्लॉक नहीं हो। इस तरीके से अच्छे से पेचकस की मदद से इसको लगा दीजिए। इस वाशर को भी अच्छे से आप लगा दीजिए। थोड़ा सा ठोक दीजिए दोस्तों, ठोकने से अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब इसको नल में ले जाके आप कस सकते हैं।
ये कसाने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ये हार्ड रहेगा, क्योंकि इसमें अभी नया नया हम इसमें जो वाशर डाले हैं थोड़ा सा हार्ड चलेगा, हल्का सा हार्ड रहेगा, ज़्यादा कोई खास नहीं रहेगा दोस्तों, ये आपको पता भी नहीं चलेगा इतना। अब ये देखिए दोस्तों, ये नल में पानी हल्का सा एक बूंद आ रहा है, ये कारण आने का जो है, अभी हमने जो वाशर लगाया है दोस्तों ये बैठा नहीं है ढंग से, ये हल्का हल्का ये बैठ जाएगा अच्छी ढंग से, दो तीन बार नचेगा और ये बैठ जाएगा, तो इसका प्रॉपर ढंग से इसका पानी बंद हो जाएगा और ये प्रॉपर तरीके से, यही तरीका है आपको स्पिंडल बनाने का। इसमें जो एक बूंद कभी कभी जो आ रहा है दोस्तों, इसमें हल्का पानी इसमें लगा हुआ है, इसी कारण से इसमें पानी गिर रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।